So, assalamu alaikum friends, this is your host and Freedom Sabasi back here on the channel. And how are you guys? Let me know in the comment section below. So, bhai, Realme jo hai apni 8 series ko Pakistani markets mein jald hi launch karne ja raha hai, balki 28 tarikh ko is mahine ke end mein launch karne ja raha hai. तो आज की जो वीडियो है मैं आपसे Realme 8 Pro के बारे में बात करने वाला हूँ. भाई स्पेसिफिकेशन तो ऑन पेपर काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हैं और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी, एक्सपेक्टेड प्राइस हमें देखने को मिल रही है. बट यहाँ पर Realme का कुछ पता नहीं है, कभी भी अपने फ़ोन ओवर प्राइस लॉन्च कर देते हैं. लाइक हमने देखा था Realme 7i को जो इतनी 40,000 रुपये के प्राइस टैग में आया था, वही कचरा स्पेसिफिकेशन थे, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे खरीदना पसंद किया. लेकिन यहाँ पर जो Realme 8 Pro है ना, काफ़ी अच्छी और तगड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है. बाकी सारी की सारी स्पेसिफिकेशन और प्राइस और लॉन्च डेट वगैरह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो भाई अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दो, ऑल कर दो, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके. भाई इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आ रहा होगा इंस्टा, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन दिस वीडियो. सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले ना डिस्प्ले को लेके बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों को 6.4 इंचेस की एक सुपर एमोलेड पैनल डिस्प्ले देखने को मिलती है, विद अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर. पंच होल डिस्प्ले है और नॉर्मल 60 हर्ट्ज़ वाला डिस्प्ले है. आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, नॉर्मल 60 हर्ट्ज़ वाला डिस्प्ले है. आप 90 हर्ट्ज़ क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, मतलब एमोलेड भी दे रहे हैं लेकिन 90 हर्ट्ज़ नहीं दे रहे हैं. वहाँ पर रेडमी मतलब एमोलेड दे रहे हैं लेकिन 90 हर्ट्ज़ नहीं दे रहे हैं, और स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज़ वाला यहाँ पर डिस्प्ले लगाया जा रहा है. यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से निट्स की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको 400 निट्स की एक ब्राइटनेस देखने को मिलती है और 1000 निट्स की एक पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है. पीक का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मतलब पीक एक्सेसिबल नहीं होती, लेकिन अगर आपको बहुत ज़रूरत पड़ी और भाई आपको बहुत ही ब्राइट लाइट में आप फ़ोन यूज़ करें, तो वहाँ फ़ोन आपका 1000 निट्स तक चला जाएगा. बट नॉर्मल 400 निट्स आपको ब्राइटनेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी फ़ोन के अंदर. और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है आप लोगों को लेफ्ट साइड पर एज अ पंच होल. पैक डिज़ाइन की बात करें ना, तो बहुत ही बड़े लफ्ज़ों में डेयर टू लीप लिखा हुआ है. मतलब सही लगता है, इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन ओवरऑल जो है मतलब इसकी ज़रूरत नहीं थी, अननेसेसरी तौर पर इसको लगाया गया है रियलमी की तरफ से. बैक कैमराज की बात करूँ, तो जो मेन लेंस है वो है 108 मेगापिक्सल का सैमसंग सेंसर, जो आपको सेम देखने को मिलता है रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर. 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी देखने को मिलता है यहाँ पे आप लोगों को इस फोन के अंदर. अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, चलूँ वो बात ये है कि जो मैक्रो और डेप्थ सेंसर होता है ना, नॉर्मली आपको जो है मतलब इसका यूज़ कोई भी नहीं होता, मतलब यूज़ कोई भी नहीं होना ये बात कहना गलत है, लेकिन इसका नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में कोई भी यूज़ नहीं होता. तो बस ये 4 कैमरास करने के लिए 2 एक्स्ट्रा कैमरास लगा देते हैं, और यही चीज़ है बस, मतलब कैमरास नंबर बढ़ाने के लिए आपको जो है वो 4 कैमरास कर देते हैं, बाकी इसका इतना यूज़ नहीं है. बैटरी की बात करूँ ना, तो 4500 mAh की बैटरी, साथ में 50 वॉट का फास्ट चार्ज सपोर्ट भी है. अच्छा अब मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ. यार एक तो ये सुबह सुबह का टाइम हॉरन. अच्छा जहाँ पर बैटरी बड़ी लगाई जाती है वहाँ फास्ट चार्जिंग थोड़ी होती है, जहाँ बैटरी छोटी लगाई जाती है वहाँ फास्ट चार्जिंग बड़ी ज़्यादा होती है. अब ये चीज़ें दोनों साथ में नहीं हो सकती कि बैटरी भी बड़ी दी जाए, आप लोगों को फास्ट चार्ज ज़्यादा दी जाए, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है. इस फोन में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 50 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट. और देखो अगर किसी फोन में आपको 6000 mAh बैटरी देखने को मिलती है, तो उसमें यहाँ पर आपको या तो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी या तो 18 वॉट की. अगर आपको 5000 mAh बैटरी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपको 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, या फिर मतलब थोड़ी ही फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी. बट यहाँ पर बैटरी छोटी है 4500 mAh की, बट यहाँ पर आप लोग जो फास्ट चार्ज देखने को मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ चार्ज कर देगा ये आपका फ़ोन, और 50 वॉट फास्ट चार्जिंग बहुत ज़्यादा होती है. जी हाँ दोस्तों. अच्छा तो भाई यहाँ पे बात करते हैं, एंड्रॉयड 11 पे आएगा, एंड्रॉयड 11 के साथ आएगा ये फ़ोन. और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से प्राइसिंग की बात करूँ ना, तो 40,000 रुपीज़ के अंदर ये पाकिस्तानी मार्केट्स में लॉन्च होने वाला है, विच इज़ अ वेरी गुड प्राइस. लाइक 39,999 एक एक्सपेक्टेड प्राइस है, जो लीक्स एंड र्यूमर्स के थ्रू हमें पता चली है. और इस पर जो चिपसेट लगाया जा रहा है ना, वो है स्नैपड्रैगन का 720G, विच इज़ अ गुड चिप सेट एज़ कम्पेयर टू, मैं इसको कंपेयर कर रेडमी नोट 10 प्रो के साथ, जहाँ पे 732G लगाया जा रहा है. ज़्यादा परफॉर्मेंस डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है. 732G एक अपर प्रोसेसर है, लेकिन 720G इज़ अ वेरी गुड गेमिंग प्रोसेसर. आप गेमिंग के लिए इस फोन को परचेस कर सकते हैं बिला झिझक. लेकिन जब ये आएगा तभी इसके ऑफिशियल प्राइस अनाउंस होगी. अभी तो मैं आपको लीक वाली प्राइस बता रहा हूँ, इस महीने के एंड के बिल्कुल जो है पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च हो जाएगा. तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. मतलब शो एक्सपर्ट मेटल है, दिस इज मैं सबासी सैनिंग ऑफ टिल देन, अल्लाह हाफिज.